वेलकम बच्चों, पीछे वीडियो में जो पिछली वीडियो आपके पास पहुंची हैं उनमें विशेष लेखन, यहाँ पर पत्रकारी या लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, यानी कि विशेष लेखन प्रक्रिया यहाँ पर इसका जो नए क्वेश्चन रहते हैं वो मैं बताती हूँ। यहाँ पर आपका प्रश्न रहता है क्वेश्चन नंबर 5, विशेष रिपोर्ट किसे कहते हैं। विशेष रिपोर्ट किसे कहते हैं और यह किस प्रकार लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विशेष रिपोर्ट किसे कहते हैं और यह किस प्रकार लिखी जाती है। इसका आंसर है किसी घटना या समस्या तथा मुद्दे की गहन छानबीन करना या उसका विश्लेषण करना, उसे विशेष रिपोर्ट कहते हैं। विशेष रिपोर्ट गहन विश्लेषणात्मक तथा विवरणात्मक, इसको रिपोर्ट भी कहते हैं, और यह पूर्ण रूप से तथ्यों पर आधारित होती है। विशेष रिपोर्ट लिखने के लिए जिन बातों पर ध्यान दिया गया है वे इस प्रकार हैं। विशेष रिपोर्ट की भाषा शैली सरल और सहज होनी चाहिए। नंबर 2, यह उल्टा पिरामिड शैली में लिखी जानी चाहिए। नंबर 3, विशेष रिपोर्ट लेखन के लिए उल्टा पिरामिड था फीचर दोनों शैलियों का प्रयोग किया जाता है या दोनों शैलियों में लिखी जाती है, बात एक ही है, लिखी जाती है। नंबर 4, अधिक विस्तृत कभी कभी रिपोर्ट को फीचर शैली में भी लिखा जाता है। नंबर 5, विस्तृत रिपोर्ट
विस्तृत रिपोर्ट जो होती है वो श्रृंखलाबद्ध रिपोर्ट में कई दिन तक प्रकाशित की जा सकती है। नंबर दो, क्वेश्चन नंबर छः, विचार परक लेखन की श्रेणी में किन किन सामग्रियों का अध्ययन किया जाता है? विचार परक लेखन जो होते हैं उनमें नंबर, अब समाचार पत्रों में समाचार और फीचर के अतिरिक्त विचार परक लेखन भी प्रकाशित होता है। अनेक समाचार पत्रों की पहचान अनेक वैचारिक तत्वों पर होती है। समाचार पत्रों में विचार परक लेखों का बहुत महत्व होता है। संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले लेख, टिप्पणियां, संपादकीय लेखन तथा स्तंभ लेखन इसी श्रेणी में आते हैं। पहले नंबर पर आता है लेख। लेख यानी समाचार पत्रों में संपादकीय पृष्ठ पर सार्वजनिक मुद्दों से संबंधित अनेक विचारकों के लेख प्रकाशित किए जाते हैं। इनमें किसी विषय अथवा मुद्दे पर विस्तृत चर्चा भी होती है। लेखक तथ्यों और सूचनाओं को विश्लेषण तथा तर्कों के माध्यम से अपनी सलाह प्रस्तुत करता है। लेख को लेखक अपनी निजी शैली में लिखता है। आगे दूसरा नंबर है यहाँ पर टिप्पणियाँ। यानी कि टिप्पणियाँ विचार परक लेखन के अंतर्गत टिप्पणियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। टिप्पणियाँ समाचार पत्रों की छवि को बढ़ाती हैं। समाचार पत्रों में अनेक मुद्दों तथा विषयों के प्रति लेखकों तथा विशेषज्ञों द्वारा टिप्पणियाँ लिखी जाती हैं। नंबर तीन आता है संपादक। यानी कि संपादकीय, संपादकीय लेखन होता है। संपादकीय लेखन जब लेख जिसमें किसी सार्वजनिक मुद्दे या विषय के प्रति समाचार पत्र अपनी राय प्रस्तुत करता है उसे संपादकीय लेखन कहते हैं। संपादकीय लेखन को समाचार पत्र की अपनी आवाज माना जाता है। इसके लिखने का उत्तरदायित्व समाचार पत्र के संपादक का होता है। विशेषकर समाचार पत्रों में सहायक संपादक ही संपादकीय लिखते हैं। यह लेख समाचार पत्र के संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होता है। फिर आता है आपका स्तंभ लेखन। स्तंभ लेखन होता है समसामयिक विषयों अथवा मुद्दों पर स्तंभकारों के द्वारा नियमित रूप से किसी समाचार पत्र के लिए जो विचार परक लेख लिखा जाता है उसे स्तंभ लेखन कहते हैं। जो स्तंभ लिखता है उसे स्तंभकार कहते हैं। उसके पत्रों के माध्यम से स्तंभ जनमत के लिए दर्पण का कार्य करता है। स्तंभकार जो होते हैं लेखन विचार परक लेखन का मुख्य रूप है। इनकी पहचान लेखकों के नाम पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संपादक के नाम पत्र किस प्रकार लिखे जाते हैं? समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर और पत्रिकाओं की शुरुआत में संपादक के नाम पाठकों के पत्र प्रकाशित किए जाते हैं। सभी समाचार पत्रों के एक समाचार पत्रों का एक स्थायी स्तंभ होता है। यह पाठकों का निजी स्तंभ होता है। इस स्तंभ के माध्यम से समाचार पत्र के पाठक विभिन्न मुद्दों पर अपने मत व्यक्त करने के साथ साथ जन समस्याओं को भी उठाते हैं। यह स्तंभ जनमत के लिए दर्पण का कार्य करता है। परंतु कई बार समाचार पत्र पाठकों द्वारा व्यक्त किए गए हैं विचारों से सहमत नहीं होते। यह स्तंभ नए लेखकों के लिए लेखन की शुरुआत करने का अच्छा अवसर प्रदान
करते हैं। अब आता है समाचार लेखन में साक्षात्कार और इंटरव्यू। आपने इंटरव्यू के बारे में बहुत सुना होगा कि इंटरव्यू लेते हैं, एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसके बाद इंटरव्यू लेते हैं जो फेस टू फेस मौखिक रूप से होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि आप जिस जहाँ पर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ पर केवल किताबी ज्ञान ही चलेगा। उसके लिए हमें अपने पूरे क्षेत्र का या राजनीतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक हर प्रकार की आपको जानकारी होनी चाहिए। यदि आपके पास में इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग करने का साधन है तो रिकॉर्डिंग कर लीजिए, नहीं तो आप उसके नोट्स भी ले सकते हैं। साक्षात्कार लेने वाला आपसे तरह तरह के प्रश्न पूछता है, केवल वो आपका हौसला, आपका साहस देखता है कि प्रश्नों के जवाब देने की आपकी कार्य क्षमता, आपकी कार्य कुशलता कितनी है। इंटरव्यू लेने वाला अलग अलग से प्रश्न पूछता है जो कि आपको उनके प्रश्नों के जवाब अपने साहस के आधार पर देने होते हैं। यदि आप वहाँ बौखला जाते हैं तो वहाँ पर आपके अंक कम हो जाते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि इंटरव्यू और साक्षात्कार लेने में और बहुत इंसान को, व्यक्ति को अपनी बेसिक जो नॉलेज होती है, ज्ञान होता है, उसको बढ़ाना चाहिए। विशेष रिपोर्ट तथा दूसरे कई तरह के पत्रकारीय लेखन के अंदर कच्ची सामग्री एकत्र की जाती है, जैसा मैंने अभी आपको कहा है कि जब आप कहीं इंटरव्यू देने का मन बनाते हैं तो इधर उधर से आप एक नोट्स तैयार करें जो कच्ची सामग्री होती है। इसी पत्रकारिता के अंदर भी वो कच्ची सामग्री लेकर के इकट्ठी कर लेते हैं और पत्रकारीय लेखन के लिए कच्ची सामग्री एकत्र करना उनका कर्तव्य है। पत्रकारीय साक्षात्कार और सामान्य बोलचाल में यह अंतर होता है कि साक्षात्कार में एक पत्रकार किसी अन्य व्यक्ति से लक्ष्य, उसका, उसकी जो राय है, उसका भावनाएं जानने के लिए उससे प्रश्न पूछता है। तो इसके साथ साथ इंटरव्यू जिसका साक्षात्कार हो रहा है उसके अंदर संवेदनशीलता, कूटनीति, धैर्य और साहस जैसे गुण भी होना अति आवश्यक है। इसी के आधार पर इंटरव्यू में किसी अच्छे और कुशल साक्षात्कार के लिए ये सब बातें आवश्यक होती हैं। जिस विषय और जिस व्यक्ति के साथ साक्षात्कार करना हो, सबसे पहले आपको उसके बारे में पूर्ण जानकारी होना जरूरी है। साक्षात्कार से क्या निकालना है इसके बारे में स्पष्ट करना आवश्यक है। प्रश्न केवल वही पूछे जाने चाहिए जो समाचार पत्र के एक आम पाठक के मन में हो सकते हैं। साक्षात्कार की अगर रिकॉर्डिंग करना, अभी मैंने आपको पहले बता भी दिया है कि इनकी रिकॉर्डिंग करना लेना चाहिए, कोई भी तरीका सुविधा अनुसार अपनाया जा सकता है। साक्षात्कार को प्रश्न और फिर उत्तर के रूप में लिखा जा सकता है या फिर उसे एक आलेख के रूप में भी लिख सकते हैं। बच्चों, यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आज ये जो आपका लेसन नंबर 2 था, काफ़ी बड़ा था, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, जैसा अभी आपको मैंने बताया और सभी क्वेश्चन आपको मैं करवा चुकी हूँ। इन सभी प्रश्नों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे यथानुसार और अपने इन प्रश्नों को याद भी करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसलिए आज का ये लेसन यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेसन के साथ मैं फिर हाजिर होंगी, तब तक आप इस कार्य को कीजिए।